अनिरुद्ध ने जाने से पहले क्यों दिया झनक को लव लेटर, बोली सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों अब झनक जाने वाली है और अनिरुद्ध की भी शादी होने वाली है। जी हाँ, अर्शी और अनिरुद्ध की शादी होने वाली है और घर वाले हर कोई खुश है कि आखिर अनिरुद्ध भी अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा और वो भी अर्शी के साथ, क्योंकि हर कोई घर में चाहता है अर्शी को और हर कोई ये भी चाहता है कि झनक अब उनकी जिंदगी से चली जाए। अब ये सब चलते हुए अनिरुद्ध काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि वो तो चाहते है झनक को और उन्हें याद भी आती है कि कब उनकी शादी हुई थी और कैसे उन्होंने साथ फेरे भी लिए थे। तो दोस्तों ये सब बातें सोचने के बाद अनिरुद्ध काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं और उन्हें वो बात बता देनी है झनक से, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आगे जिंदगी में क्या होगा, झनक मिलेगी भी या ना मिलेगी, लेकिन ये बात शायद बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अब अनिरुद्ध बता देते हैं अपने दिल की बात। तो आखिर क्या बताते हैं वो इस लेटर में, ये हम आपको बताएंगे इसी चैनल पर। बस आपको करना ये है कि हमारे साथ बने रहना है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अनिरुद्ध जानते हैं कि झनक को घर में रोकना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घर में जो माहौल है उसके चलते झनक कभी खुश नहीं रहेगी। इसलिए वो उसे रोकते तो नहीं है, लेकिन एक तरकीब निकालते हैं। जी हाँ, वो एक लेटर लिखते हैं और लेटर में वो हर चीज़ बोल देते हैं जो वो झनक से बोल नहीं पाए हैं। वो जाने से पहले वो लेटर झनक को देते हैं जिसमें लिखा होता है कि कैसे वो झनक को हमेशा चाहते रहेंगे और उन्होंने कैसे हमेशा झनक को चाहा है और हमेशा उसके साथ सपोर्ट बनकर रहेंगे। वो उनकी यादों के बारे में भी लिखते हैं कि कैसे वो मिले थे और कैसे उन्होंने शादी भी की थी और कुछ भी हो जाए वो इस शादी को मन से मानते हैं। शायद उन्हें ज़िंदगी अर्शी के साथ बितानी हो, लेकिन दिल में झनक के लिए हमेशा जगह रहेगी, ऐसा लिखते हैं अनिरुद्ध इस खत में। अब ये खत पढ़ लेती है झनक, वो भी जाने से पहले। जी हाँ दोस्तों, वो पढ़ लेती है ये खत और वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब इस खत का जवाब वो क्या देगी ये तो झनक ही बताएगी, लेकिन दोस्तों ये बात अनिरुद्ध को बताना काफ़ी ज़रूरी लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ये बात झनक से नहीं कहेंगे तो शायद उन्हें फिर से ये मौका ज़िंदगी नहीं देगी। इसीलिए वो इस मौके की तलाश में रहते हैं और इसीलिए इस बार ये बता देते हैं कि कैसे वो झनक को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। अब झनक भी इस पर क्या रिएक्ट करेंगी ये हम आपको बताएंगे। बस आपको करना ये है कि हमारे साथ बने रहना है। हम बड़ी ही मेहनत से आप तक हर नई एक्सक्लूसिव अपडेट लाते हैं। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और इस वीडियो को भी लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।